हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको पेस्ट स्पेशल की आगे की कमांड बताऊंगा। मैंने पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड एक जो पार्ट वन है वो मैंने अपलोड कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके जो पहला जो एपिसोड है वो आप इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल से, पेस्ट स्पेशल की आगे की कमांड के बारे में। तो मैं सबसे पहले पेज ले लिया मैंने एक्सेल का और मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया। तो मैंने सिलेक्शन करा, मर्ज करा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग हर बार की तरह। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट स्पेशल ट्रेनिंग, और जिसका हम पार्ट सेकंड बना रहे हैं। और पार्ट वन मैंने अभी बताया ही है, मैंने आपको पहले ही बना दिया है। तो ये हमारी हेडिंग तैयार हो गई। अब हम इसके बाद यहाँ पे एक डेटा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सपोज डेट एक नॉर्मल डेटा मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नॉर्मल डाटा, नॉर्मल डाटा में यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा आइटम्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पीस डाल दिए, सॉरी सीरियल नंबर। आइटम्स में हमने आइटम्स 01, आइटम्स 02 और इसी तरीके से 5 आइटम तक हम इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है सेल्स की बारी। तो सेल्स हमने सपोजेड सेल हमारा हुआ 50 पीस सेल, 45 पीस सेल, 25 पीस सेल, 35 पीस सेल, 44 पीस सेल। तो ये हमारा एक डेटा हो गया नॉर्मल, जिसे मैं यहाँ से साइज इसका थोड़ा सा इनक्रीज कर लेता हूँ। सेंड। अब हमें आगे पेस्ट स्पेशल की कमांड चलानी है। तो मैं पहले चीज़ दिखा देता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट स्पेशल। मैंने पेस्ट में ऑल फॉर्मूलाज वैल्यू फॉर्मेट्स कमेंट्स और वैलिडेशन, मैंने ये सारे फॉर्मूले पहले एपिसोड में बता दिए। आज मैं ऑपरेशन से आगे के फॉर्मूले ये सभी बताऊँगा। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला, ये ऑल से लेके वैलिडेशन तक, या उन्हें आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये वीडियो देख करके ये सारी फॉर्मेट सीख सकते हैं। ऑपरेशन से मैं इसके आगे की कमांड आपको आज बताऊंगा। तो पहला ऑपरेशन में नन, तो नन का मतलब है कि कुछ नहीं है, ना के बराबर, तो ये तो रहने ही दीजिए। ऐड से मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस डेटा को सिलेक्शन करा, कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने क्लिक करके पेस्ट कर लिया, पेस्ट नॉर्मल पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा ऐड पीसेज और यहाँ पे मैंने लिखा 50 और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब क्या है कि सीरियल नंबर 1, आइटम 1 और सेल 50, मतलब हमने आइटम 1 50 पीस सेल करें, आइटम 2 45 पीस सेल करें, आइटम 3 25 पीस सेल करें और ऐसे जितने जितने पीस सेल करें वो यहाँ पे लिखा है। लेकिन मुझे ऐड करना है पीसेज, कितने 50 पीसेज, यही वाली वैल्यू में 50 पीसेज ऐड करने हैं। तो मैंने इसी का एक यहाँ पे दोबारा कॉपी इसलिए कर लिया ताकि ओरिजिनल डेटा में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप देख सकें दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो 50 पीसेज है मैं इसमें ऐड करूँगा। तो अगर 50 पीस ऐड करते हैं तो कितना कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, इस वैल्यू पे, इसे बोल्ड कर लेता हूँ। तो इस 50 पे क्लिक करा, 50 पे क्लिक करने के बाद इसे आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एरिया सिलेक्शन करना है जिसमें आपको ये 50 पीस ऐड करने हैं। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल का फॉर्मेट आएगा, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आता है, तो जो ये 50 पीस है वो इनमें ऐड हो जाएंगे, सभी में 50 50 50 50
ऐड हो जाएंगे। जब आप ओके करेंगे तो देखिए ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहले था 50 और 50 में अगर 50 ऐड होगा तो 100 हो गया। 45 में अगर 50 ऐड हुआ 95 हो गया। 25 में 50 ऐड हुआ 75 हो गया। इसी तरह से देखिए सभी प्रोडक्ट में 50 ऐड हो चुके। तो ये तो था ऐड हो गया पीस 50 पीसेज। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने 50 पीस कैसे ऐड करें। अब इससे अगला चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हम देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना हो अगर किसी चीज़ में, तो अगर मान लीजिए मैं ऐड पीस के आगे ही लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस, MINUS माइनस पीसेज। आपको पीसेज माइनस करने हैं। कितने पीसेज माइनस करने हैं? सपोज दैट 10 पीस। अगर 10 पीस आपको कम करने हैं तो कैसे कम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं नॉर्मल डेटा को और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इस वाली वैल्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद इस डेटा को सिलेक्शन करा, राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कमांड आता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या है 10 पीस इन सभी में पीसों में से घट जाए। तो जब आप ओके करेंगे तो देखिए 10 पीस सभी पीसेस में से घट गए। देखिए 50 में से 10 कम हुआ 40, 45 में से 10 कम होगा 35, 25 में से 10 कम होगा 15, 35 में से 10 कम होगा 25 और 44 में से 10 कम होगा 34। मतलब देखिए इसमें 10-10 पीसेज कम हो गए। क्लियर? तो ये था आपका ऐड, ये हो गया आपका माइनस जो पीस था। अब मैं दोबारा एक चीज़ देख लेता हूँ इससे अगला क्या है जो मैं आपको समझाऊँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस डेटा की कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये है हमारा सीरियल नंबर आइटम सेल। तो सेल पे मैंने यहाँ पे लिख दिया पीस और यहाँ पे मैंने डाला पीस कि इतने इतने पीस सेल हुए। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्राइस, PRICE प्राइस, मतलब एक पीस का प्राइस। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पर पीस प्राइस। अब आइटम वन 50 पीस सेल हुए और एक पीस का रेट यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक पीस का रेट 20 है। सपोज दैट 20 है तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इस जगह कि एक पीस का रेट 20 है। अब मुझे यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्राइस निकालने हैं 20 एक बार ट्राई करते हैं शायद ऐसा चल जाए। यहाँ पे मुझे सेल्स निकालना है। तो सेल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एक बार देख लेते ट्राई करके। सेल्स पहले हम नॉर्मल सेल निकालते हैं, इक्वल इस पर क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई इस पर क्लिक करते हैं, एंटर करेंगे तो टोटल ये सेल निकल के आ जाएगी। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल पीस मल्टीप्लाई पर पीस प्राइस और एंटर। तो यहाँ पे आपका टोटल सेल आ जाएगा अमाउंट। अब मुझे यही चीज़ें अलग से चाहिए तो मैंने इसी डाटा को कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लिया। अब मुझे ये 20 इसमें ऐड करना है इस जगह। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MULTPLY और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20 से। तो मैं इसी डेटा की कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट। अब हम 20 पे क्लिक करेंगे। 20 पे क्लिक करने के बाद 20 को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस एरिया को सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो हमारा यही वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर। ये देखिए आ गया ना। तो
तो इसका मतलब क्या है कि 20 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आप डायरेक्ट भी ऐसे सेल निकाल सकते थे अगर फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई पेस्ट स्पेशल में बताना था तो मैंने इस टाइप से आपको बताया। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका ऐड, माइनस और मल्टीप्लाई। डिवाइड का क्या यूज है, डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू 1 और यहाँ पे लिखा वैल्यू 2। अब यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 20, 55, 68, 78, 45, और मैं यहाँ जो वैल्यू 2 है इसमें मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। इसे मैं कट करके एक लाइन और नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेड। किससे करना है डिवाइडेड मुझे? मान लीजिए मुझे डिवाइडेड करना है 4 से। अब मुझे 4 से डिवाइड करना है सभी वैल्यू को, तो मुझे क्या करना होगा, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और मुझे यही वैल्यू 4 से डिवाइड करनी है, तो मैं पहले 4 पे क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और डिवाइड पे क्लिक करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो इन सभी वैल्यू में 4 से डिवाइड होके आंसर आ जाएगा। अब जब मैं ओके करूँगा तो देखिए, ये देखिए 4, 5, 4, 5 जा 20, तो इस हिसाब से देखिए सभी का डिवाइड यहाँ पे निकल के आ गया है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू का देखिए डिवाइडेशन आ गया, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर आसान तौर पे अगर आपको देखना है, समझना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे आसान थोड़ा लिख देता हूँ। जैसे मैंने 20 डाल दिया, 24, 26, 16, 8, अब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जिससे 2 से डिवाइड, तो 2 क्योंकि एक छोटा सा करेक्टर है, मैंने यहाँ पे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद पहले मैं इसे कॉपी यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और मैंने इस डाटा को कॉपी करा, सिलेक्शन करा, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करा, डिवाइड और ओके। देखिए 2 10 जा 20, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। मतलब 2 से डिवाइड हो गए सभी वैल्यू, जो भी डिवाइड हो गए हैं उन वैल्यू को यहाँ पे दिखा दिया है जो 2 से जैसे जैसे डिवाइड हुए। तो मैंने आज आपको बता दिया है कॉपी पेस्ट स्पेशल ऑल से लेकर डिवाइड तक। अब ये वाले ऑप्शन रह गए हैं और एक ये दोनों ऑप्शन रह गए हैं, इन्हें कैसे चलाने हैं। तो सबसे पहले मैं एक डेटा फिर से मैं तैयार कर लेता हूँ, डेटा यही वाला डेटा ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, आइटम्स है, सेल्स है, और ये वाला सही है, मैं इसे ही सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये सीरियल नंबर हो गया, आइटम हो गया, पीसेज हो गए, पर पीस प्राइस हो गया और सेल हो गया। तो इसे मैंने कॉपी करा और यहाँ पे कर लिया मैंने पेस्ट। अब ये डेटा हमारा एक नॉर्मल डेटा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूले लगे हुए हैं इनका टोटल, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ एक छोटा सा दोबारा एग्जांपल। जैसे सीरियल नंबर आइटम वन मान लीजिए मैंने 5 पीस सेल किए और 50 रुपये का एक पीस है, तो टोटल आएगा इक्वल 5 × 50, तो ये आपका 50 पीस का टोटल अमाउंट आ गया। तो मैं इसे यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ और सभी में मैं यहाँ पे 50 ड्रैग कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आइटम डाल देता हूँ वैल्यू, तो ये देखिए सभी का अमाउंट आ गया। अब मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जब मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ, तो जो ये वाला ऑप्शन है ये और ये ऑप्शन दोनों सेम है, ये और ये ऑप्शन दोनों सेम है। जब मैं इस पर क्लिक करके ओके करूँगा तो देखिए सारा का सारा डाटा सेम आ जाएगा, जैसे यहाँ फॉर्मूले थे वैसी यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला सेम है, तो ये सेम ही ऑप्शन प्रिंट होगा। अब मैंने क्या करा,
देखो अलग अलग है, कोई लिंक नहीं है, मैं सोच रहा था कहीं लिंक ना हो। तो ये देखिए दो जो डेटा है ऊपर और नीचे वो दोनों सेम है। अब मैं अगर सिलेक्शन करता हूँ कॉपी और फिर नीचे क्लिक करके हम करते हैं पेस्ट स्पेशल, सेकंड वाला आता है ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर्स। तो इसके लिए क्या है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बॉर्डर हैं वो थोड़े से बढ़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे जो बॉर्डर हैं वो छोटे हैं। तो अगर मैं इस डाटा को सिलेक्शन करके कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना है, और अगर आप ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और जब आप ओके करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे तो देखिए बॉर्डर बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ बॉर्डर बढ़ा हुआ नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे इस जगह बॉर्डर बढ़ा हुआ चाहिए, जैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ है, आप इसे नॉर्मली ऐसे बढ़ा सकते हैं खींच करके। लेकिन आप चाहते हैं ऐसे भी बॉर्डर ना बढ़ाएं, डायरेक्टली ऐसा ही सेम टू सेम पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए क्या करना होगा, आप डाटा को सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। तो कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ पे ऐसे की ऐसे ही देखिए आ गई, लेकिन इसमें देखिए डेटा नहीं आया और उसमें डेटा आया था, लेकिन कॉलम इतनी विड्थ नहीं आई थी। इन दोनों में ये अंतर है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। मतलब क्या है कि फॉर्मूले के साथ ये डेटा आएगा, प्रिंट हो जाएगा जब मैं इस पर क्लिक करके ओके करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बस क्या चीज़ नहीं गया, कलर नहीं गया है, बाकी देखिए सारे आइटम के नाम सेम हैं। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्मूला भी आपको दिखाई देगा, मतलब फॉर्मूले के साथ पेस्ट होगा डाटा, लेकिन कलर इफेक्ट नहीं जाएगा, मतलब कलर फॉर्मेट नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे ही सिलेक्ट करके कॉपी करता और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और मैंने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करा, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेटा तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखिए 250 पे सिर्फ वैल्यू है, जबकि यहाँ 250 पे मल्टीप्लाई भी है बीच में, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें विदाउट फॉर्मूला पेस्ट होगा और इसमें फॉर्मूले के साथ पेस्ट होगा, ये दोनों अंतर आएंगे। अब अगला क्या है, सिलेक्शन करके कॉपी कर लेते हैं। अगला कह रहा है पेस्ट स्पेशल में, मैंने ये सभी बता दिए, स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, जो डेटा आपका ऐसे था देखिए कॉलम वाइज में, वो आपका रो वाइज में हो जाएगा। कॉलम वाइज वाली जो हेडिंग है वो रो वाइज में हो जाएगी जब मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अब सीरियल नंबर पहले ऐसे था, आइटम ऐसे था, अब सीरियल नंबर ऐसे और आइटम ऐसे हो गया। मतलब कॉलम वाइज डाटा को रो वाइज, और अगर मैं रो वाइज डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और फिर मैं अगर इसे दोबारा पेस्ट स्पेशल पे जाके ट्रांसपोज करता हूँ तो ये दोबारा कॉलम वाइज में पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए मतलब रो वाइज डाटा को कॉलम में और कॉलम वाले डाटा को रो में पेस्ट करने का काम करता है पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज। अब इसमें एक अगला भी एक ऑप्शन है, वो मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि उसमें क्या इफेक्ट है। जैसे ये जो डेटा है हमारा, ये नॉर्मल डेटा है, सीरियल नंबर आइटम पीसेज ये सेल और पर पीस प्राइस, जहाँ ये आइटम 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं यहाँ मुझे नाम चेंज करने हैं, इसमें आइटमों के नाम डालने हैं। अब मुझे क्या डालना है वो मैं तय करूँगा। तो मैंने क्या करा, जो मुझे चाहिए मैं पहले इसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ आइटम 1 है यहाँ पे हो जाए टीवी, यहाँ हो जाए डीवीडी, यहाँ पे हो जाए फ्रिज, यहाँ पे हो जाए फैन, यहाँ पे हो जाए आयरन। अब ये जो हैं लिखे हुए ये यहाँ आ जाए, तो मैं क्या करूँगा इसे सिलेक्ट करूँगा, और अगर मान लीजिए मुझे कोई सेम ही रखना है तो मैं उस जगह डिलीट भी कर सकता हूँ, तो उसे स्किप कर देगा, यही काम है स्किप का। तो मैंने देखिए बीच में से यहाँ पे कुछ जो लिखा था मैंने फ्रिज वो हटा दिया, तो मैंने टीवी, डीवीडी, फैन, आयरन लिखा है बस। और मैं अब इसे कॉपी करूँगा, यहाँ सेलेक्ट करा मैंने, राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल, और जैसे ही मैं स्किप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो जहाँ ब्लैंक था वहाँ तो आइटम 3 रहेगा, बाकी जहाँ मैंने नए आइटमों के नाम रखे हैं वो यहाँ पे सेम है,
पेस्ट हो जाएंगे, ये काम होगा इसका। ये देखिए टीवी डीवीडी आइटम 3 इसकी सीधाई में और फाइन आयरन। तो ये था पेस्ट स्पेशल कमांड जो आज मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। इसमें आई थिंक कुछ बचा नहीं है, बाकी मैं एडवांस पेस्ट स्पेशल के ऊपर एक फॉर्मेट तैयार करूँगा और मैं आपको सिखाऊँगा कि आप इस तरह इसका जो यूज है वो ऑफिशियली कैसे कर सकते हैं। बाकी ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें पेज को, और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।